अना जातिवाद हो। वो शख्स के हम याद कर लेते नहीं जेकरा शख्स के चलते शायद रउरा सभी हमरा के जानत होखे अपना समाज के लोग। बाकी भोजपुरी के श्रोता के हम महुआ देखले बा, केहू बिग गंगा देख के जानता, केहू गीत से जानता, केहू अमौ लगौलो से जानता। तो वह गीत गा के बड़ी सुंदर फरमाइश बा। सुनिए ना मैडम, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, कम स्टेज तो तू लोग कहे कि तिया पन्ना चमा हूँ मैं दिक्कत का। हाँ ये हूँ मैं भी बात है। कि जही आस तुरल बाबा अरे जिंदगी के डोरिया हो तो सुना लागे चाहती तो हम जातिवाद भी गा सकते हैं, लेकिन जब से घटना भई धीरे धीरे अनुभव के क्षेत्र में बाँट तो अनुभव यह मिलल कि कला से जब हम हट जाए तब हम गा सकते हैं। जी जी मुना भैया के धन्यवाद बा, आभारी बानी। जखन भैया बोलते ना आज हम गावल छोड़ दी तो फिर हम नगरे नगर ढोलक बजवा के कहते हाँ हाँ ये हम। लेकिन कला ला आज कला के दिन बा कि हमार समाज तो होइए बा। एकरा बाद भी जितना भी भोजपुरी सुने वाला श्रोता बा हर बिरादरी के हमरा के मानो करन तो वही पर हमारा के रह दिया है। उसे हमारा भी खुशी मिली, हमारे करियर को असर ना पड़ी। जहाँ दिन हम कहे लगनी कि हम यह बानी तो लोग जानत था कि हम वह बानी। बाकी फिर भी कला के क्षेत्र में हमारे सभी बिरादरी के लोग
एगो अलग राह के गायक मनता तो मुना भैया आज रौरा के यहाँ आई बनी तो रौरा से हम यही उम्मीद करो कि बस दुआ दी आशीर्वाद दी प्यार दी दुलार दी कि हम अपना काम में लागो रहे अपना भोजपुरी खाती कुछ करके मरहू कोई मरो भले दुनिया हो कुछ कोई ये दुनिया के होके छोड़ल नहीं है तो हम तो एगो तुच्छ आदमी भाई देख के न पाता कोई दुश्मन घूमे लाशिया कुछ गीत ऐसा जो ये भी गीत हमारे दिल के करीब बा सुनावल जरूर समझनी है कुछ लोग के चोट पहुंचे कि हम सब ना गाने ते हमार मजबूरी बा कि हम ना गा सके गावत रहने पहले जब ना बुझे बुझाए लगल कि दुनिया का कहता भोजपुरी जगत में एगो हमरा लोग प्यार मिलल बा कुछ और गीत आदेश बा तो कहीं हम सुना दे संग संग के बा आई ज्योति जी आई एगो माइक ले लो ही आई पर तने खोलो ना आज निकले कोई दीपक खोलो कुछ अब ज्योति जी के संग प्रोग्राम कोई ले ढेर दिन भइल त कुछ गीत भी होई तो नया है इससे पहले जे करा